नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोना लूट मामले में व्यवसायियों का फूटा आक्रोश, सड़कों पर किया प्रदर्शन, 300 आभूषण दुकानों पर लटका रहा ताला। व्यवसायी से रंगदारी और गोलीबारी मामले में कुख्यात अपराधी रूपेश यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे, हथियार हुआ बरामद। इंटर के छात्र का तालाब में शव हुआ बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। और सुरक्षा आयुक्त ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, कहा महिला यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के डीएन सिंह रोड से 6 फरवरी को विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स की 90 लाख मूल्य के आभूषणों की लूट मामले में पुलिस ने अपराधियों को जल्द पकड़ लेने का दावा किया है। पुलिस तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में आगे बढ़ रही है। वहीं सोना लूट मामले को लेकर एसआईटी ने पड़ोसी जिला नवगछिया, पूर्णिया, बांका, गोड्डा के अलावा झारखंड एवं बंगाल पुलिस से भी संपर्क साधा है। बताया जा रहा है कि पुलिस जल्द ही सोना लूट मामले का पर्दाफाश कर लेगी। जानकारी के अनुसार एसआईटी ने इस सिलसिले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इधर बदमाशों की अविलंब गिरफ्तारी और लूटे गए आभूषण की बरामदगी की मांग को लेकर भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ एवं ईस्टर्न बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी और सदस्य आज सड़क पर उतर गए। वहीं स्वर्णकार संघ की बंदी का समर्थन जिला कांग्रेस कमेटी ने भी किया। बता दें कि बीते शनिवार को वैरायटी चौक के समीप बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी के स्टाफ से 1 किलो 850 ग्राम सोना लूट लिया था, जिसके विरोध में सोमवार को स्वर्ण व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। साथ ही संघ के बैनर तले सूजागंज सोना पट्टी में एकत्र होकर आक्रोश व्यक्त किया। इसके अलावा व्यवसायियों ने शहर की सड़कों पर आक्रोश मार्च भी निकाला। वहीं संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शहर में बढ़ते अपराध और सोना लूटकांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी निताशा गुड़िया को ज्ञापन भी सौंपा है। जिले के वरीय अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष शिव कुमार वर्मा, सचिव संजय पोद्दार, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला, स्वर्णिका ज्वेलर्स के विशाल आनंद, कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी समेत कई लोगों ने प्रशासन से व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए आसानी से आर्म्स लाइसेंस निर्गत किए जाने की मांग की है। इधर सोनापट्टी की लगभग 300 दुकान बंद रहने से करोड़ों रुपए का सर्राफा कारोबार प्रभावित हुआ। जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं इस कांड में हम लोगों ने उसका प्रयोग जो है उद्भेदन हेतु किया गया है और ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि और भी जहां जहां पे जो हमारे संवेदनशील स्थल है जिला में वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा जो है अवश्य लगा। मैडम की तरफ से आश्वासन मिला, हम लोग अपने इनविटेशन में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द जो है अपराधी का प्रयास कर रहे हैं पकड़ने का और हम लोगों का जो जल्द से जल्द प्रयास करके जैसे भी सूचना होगी आपको इत्तला किया जाएगा। और हम लोगों ने मांग किया प्रशासन से जल्द लूट का माल बरामद हो और यह स्वर्ण व्यवसायी का माल इन्हें रिकवर हो जाए, यही। और जितने भी जो है स्वर्णकार व्यवसायी जो जो लाइसेंस लेना चाहता है अपनी सुरक्षा हेतु उनसे जो है अग्निशास्त्र बंदूक वगैरह का लाइसेंस जो है अविलंब करवाया जाए। भागलपुर के नाथनगर में व्यवसायी से रंगदारी और गोलीबारी मामले में फरार अपराधी रुपेश यादव को उसके सहयोगी के साथ पुलिस ने दबोच लिया है। इस दौरान पकड़े गए अपराधी के पास से पुलिस ने अवैध हथियार, गोली और गांजा बरामद किया है। सोमवार को पुलिस कप्तान निताशा गुड़िया ने पकड़े गए अपराधी रुपेश यादव के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि 4 फरवरी को अपराधी रुपेश यादव अपने सहयोगियों के साथ रंगदारी मांगने सब्जी मंडी स्थित बलवीर कुमार के दुकान पहुंचा था, जहां उसने दुकानदार पर गोलियां चला दी। हालांकि घटना में दुकानदार बाल बाल बच गया, जिसके बाद अपराधी की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी पूरन कुमार झा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा विशेष रणनीति बनाकर कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने अपराधी रुपेश यादव की निशानदेही पर डकैती कांड के अभियुक्त बारसलीगंज निवासी विकास कुमार और नूरपुर निवासी राजा कुमार को भी पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि रुपेश यादव पर नाथनगर और ललमटिया थाना में 4 मामला दर्ज है। रुपेश यादव और उसके साथियों के द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई। ये घटना रंगदारी मामले को लेकर के की गई थी और इसको रुपेश और उसके साथियों को
हम लोगों ने हथियार से जो है गिरफ्तारी। भागलपुर हबीबपुर में सालेपुर महादेव मंदिर के समीप तालाब से सोमवार को इंटर के छात्र का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक की पहचान आनंद नगर कॉलोनी निवासी रामचंद्र शर्मा के 18 वर्षीय पुत्र बंटी शर्मा के रूप में हुई है। छात्र का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना को लेकर बताया गया कि सबसे पहले स्थानीय लोगों ने छात्र के शव को तालाब में तैरता देखा, फिर इसकी सूचना हबीबपुर पुलिस और मृतक के परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के पिता रामचंद्र शर्मा ने बताया कि बीते कुछ दिनों से आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों के द्वारा मेरे पुत्र बंटी शर्मा के हत्या की साजिश रची जा रही थी। उन्होंने बताया कि वो पूर्व में ही अपराधी युवक के खिलाफ न्यायालय में आवेदन दे चुके हैं। साथ ही बताया कि उनका पुत्र बंटी शर्मा इंटर का परीक्षा दे रहा था और सोमवार को अंतिम परीक्षा थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मंडल अजय मंडल का बेटा। अच्छा। पवन को पवन जी पवन जी नाम पासवान। अच्छा। उसका, उसका नाम क्या है अमित अमित मैंने कि उसका बेटा का नाम है। हाँ। इससे था प्रसादी शर्मा का बेटा राजा शर्मा हमारा घर का वो साढ़ू का बेटा हुआ। अच्छा। ठीक है ये सबसे और पीछे में दशरथ पास दशरथ मंडल है उसका पोता था। ठीक उसका भी मैंने की सब कोई मैंने लड़का लोग मिल करके इसको टॉर्चर करता था कॉलोनी का लड़का सब। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने रेलवे सुरक्षा बल के सहायक सुरक्षा आयुक्त अशोक कुमार सिंह सोमवार को सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अशोक कुमार सिंह ने रेलवे सुरक्षा संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए बेहतर सुरक्षा और मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला रेल यात्रियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बेवजह स्टेशन पर भटकने वाले मंचलों पर भी कड़ी नकेल कसने की बात कही। स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ी में भी सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती की जाएगी। इस दौरान आरपीएफ व जीआरपी के सभी जवान मौजूद रहे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीसीए के प्रमोटेड ही लगाए समूह सेमेस्टर 6 के फॉर्म भरने की अनुमति की मांग को लेकर आज परीक्षा नियंत्रक से मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्प पांडे के नेतृत्व में बीसीए के छात्रों ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से सत्र काफी विलंब हो चुका है और बीच में परीक्षा नहीं होने के कारण बहुत से छात्र प्रमोटेड हैं। वहीं कुश पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन बीसीए सेमेस्टर 6 में पढ़ रहे छात्रों की भविष्य को देखते हुए फॉर्म भरने की अनुमति दे। साथ ही एबीवीपी के सदस्यों ने परीक्षा नियंत्रक से मिलकर अपनी बात रखी, जिस पर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने समस्या की समाधान करने का आश्वासन दिया। बांका रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत सांझा गाँव के बहियार में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर जख्म के कई गहरे निशान थे। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि किसी ने युवक की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए बहियार में फेंक दिया है। मृतक की पहचान शिकनपुर निवासी विनोद यादव के 22 वर्षीय पुत्र नितेश कुमार के रूप में हुई है। मृतक के पिता विनोद यादव ने बताया कि उसका बेटा नितेश शनिवार को ही रात 8 बजे अपने घर शिकनपुर से निकला था। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर पता भी लगाया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। सुबह सांझा के कुछ ग्रामीणों ने सड़क किनारे बाइक पड़ा देखा और फोन पर इसकी जानकारी उन्हें दी, जहां पहुंचने पर बहियार में बेटे का शव पड़ा देखा। बता दें कि मृतक का एक हाथ तोड़ दिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही रजौन थाना अध्यक्ष बुद्धदेव पासवान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि युवक के शरीर पर जख्म के निशान पाए गए हैं, साथ ही चाकू भी मारा गया है। इसमें प्रेम प्रसंग का भी मामला सामने आ रहा है। मृतक के पिता विनोद यादव के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पंजवारा थाना पुलिस ने रविवार को एक यात्री बस से 23 बोतल विदेशी शराब जब्त किया है। पंजवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह को यात्री बस के जरिए शराब ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद गोड्डा से भागलपुर जा रही एक यात्री बस से जांच के दौरान काले रंग के बैग में इवनिंग मोमेंट ब्रांड का 23 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं पूछताछ के दौरान सभी यात्री ने बैग से अपना पल्ला झाड़ लिया। अब अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोना लूट मामले में व्यवसायियों का फूटा आक्रोश, सड़कों पर किया प्रदर्शन, 300 आभूषण दुकानों पर लटका रहा ताला। व्यवसायी से रंगदारी और गोलीबारी मामले में कुख्यात अपराधी रुपेश यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे, हथियार हुआ बरामद। इंटर के छात्र का तालाब में शव हुआ बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। और सुरक्षा आयुक्त ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, कहा महिला यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।